पीजी वेलकम सी यू इन पीजी पॉइंट। तो देखिए आपने थंबनेल के माध्यम से देख लिया होगा, आज मैं आपको इस वीडियो में आपको सारे जो इंटर्नशिप से रिलेटेड संबंधित लेटर होते हैं क्या कैसे चीज़ें होती हैं मैम वो सब हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले ज़रा हम कुछ बात कर लेते हैं। ये आप ऑफिशियल जैसा कि देख पा रहे हैं जो CSGMU का पूरा कंप्लीट सिलेबस का है, उससे पहले हम बात कर लेते हैं। देखिए जो आपका पेपर वन है स्कूल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप का, ठीक, और एक आपका पेपर टू है जो आपका इस बार एजुकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग का है, ठीक। तो हम आपको पहले ही बता दें कि इसकी क्लास मैं सुबह ले रही हूँ आपकी 10 बजे और इसकी क्लास आपकी हो रही है शाम को 4 बजे, ठीक। तो ये दो बातें हो गई। उसके बाद में हम आपको बता दें कि जो ऑप्शन बी है आपका इस बार, जो आपकी इंटर्नशिप और फील्ड वर्क 16 वीक का लगेगा आपका, जिसमें कि आपको पूरा 100 में से जो भी जिस बेसिस पे आपको उसी आधार पर नंबर भी मिलेंगे, है ना। तो अब क्या क्या करना होगा मैम इंटर्नशिप के अंदर, तो पहली बात तो देखिए आपके इंटर्नशिप के अंदर जो कार्य होते हैं वो मॉर्निंग असेंबली, उसके बाद में अटेंडेंस रजिस्टर मेंटेन करना, मतलब जैसे आप टीचर बनने के बाद में अपना सारे कार्य करेंगे ना, तो वही कार्य आपको इस कोर्स के दौरान सब सिखाया जाएगा, यानी कि सब आपको करना होगा ताकि कोई दिक्कत ना हो। टीचर्स डायरी मेंटेन करना होगा, कंटिन्यूस एंड कम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन, कंस्ट्रक्शन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट, रिफ्लेक्शन एंड कंसोलिडेशन ऑफ इंटर्नशिप रिपोर्ट राइटिंग जो होती है पूरी, एक्शन रिसर्च एंड रिपोर्ट राइटिंग, सेलिब्रेशन ऑफ स्पेशल डेज। जैसे मान लीजिए आपकी टीचिंग लगी है 16 वीक की, तो उसके अंदर भाई हो सकता है कोई जयंती पढ़े, कोई फेस्टिवल पढ़े, है ना, कोई स्पेशल डे पढ़े, है ना, तो उसमें राइटिंग रिपोर्ट विद देयर मैसेजेस की, मतलब क्या चीज़ें हुई उस दिन, क्या हुआ स्कूल में जहाँ आपकी टीचिंग लगी है, और जो अदर ड्यूटी आपको प्रिंसिपल के द्वारा उस दौरान असाइन की जाए आप उनको किस तरीके से निभा रहे हैं, ये सब चीज़ें होंगी। उसके बाद में आपको ऑप्शन सी आता है फील्ड वर्क का, आपको अब देखो ये वाले जो चीज़ें ये आपको तो वो तो इंटर्नशिप की बात वहाँ तक हो गई, ये जो चीज़ें हैं इनमें आपको ग्रेड्स मिलेंगे कि विजिट टू एन इंस्टीट्यूशन, कीपिंग व्यू इंक्लूसिव एजुकेशन एंड प्रिपेयर रिपोर्ट। एक आपको रिपोर्ट बनानी होगी जहाँ पर आपको जाना होगा, इंस्टीट्यूशन जो होते हैं आपके शिक्षण संस्थान, वहाँ जा करके आपको देखना होगा कि जो समावेशी के तरीके से बच्चों को शिक्षा दी जा रही है कि नहीं दी जा रही है, मतलब ऐसा तो नहीं है कि जो बच्चे पिछड़े वर्ग के हैं या जो बच्चे कह सकते हैं हम कि शेड्यूल कास्ट टाइप से आते हैं उनके साथ कोई दुर्व्यवहार हो रहा हो, तो इस तरीके की चीज़ें देखनी है। और वहाँ पर क्या समावेशी शिक्षा को फॉलो करके टीचर्स पढ़ा रहे हैं, ये सब चीज़ें आपको इस बेसिस पे एक रिपोर्ट तैयार करनी होती है। उसके बाद में प्रोफेशनल डेवलपमेंट के तहत आपको म्यूजिक ड्रामा क्राफ्ट योगा और अदर जो रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती है इनके थ्रू आपको ग्रेड मिलेंगे, ये हो गई एक बात। अब एक जो आपका ये है ना 50-50 नंबर का, ये समझिएगा ये फाइनल टीचिंग जो आपकी होती है ना पेडागोजी वन और पेडागोजी टू, आपने अपने सेकेंड सेमेस्टर में, समझिएगा बात को, सेकेंड सेमेस्टर में जो आपके दो पेडागोजी विषय थे ना उनकी ये टीचिंग होगी आपकी। कौन कौन से दो सब्जेक्ट्स मैम, हमने कहा वही दो सब्जेक्ट, जैसे मान लो साइंस वाला बच्चा था तो किसी के पास मैथ्स और फिजिकल साइंस होगा, तो जब आप पढ़ाने जाएंगे तो वहाँ पर आपको मैथ्स दे दी जाएगी या साइंस दे दिया जाएगा या जो विषय आपका पेडागोजी का होगा उससे संबंधित आपकी टीचिंग होगी। उसके बाद में आप देख पा रहे हैं एक यहाँ पर लिखा है इंटर्नशिप का वाइवा होगा 50 नंबर का, तो जब आपका ये पेपर वन और पेपर टू का, यानी कि जब जैसे आपके एग्ज़ाम होते हैं ना आप जाते हैं प्रॉपर सेंटर में पेपर देने, तो जब आप ये सेंटर में पेपर देने जाएंगे वहाँ से वापस आएंगे, उसके बाद में कुछ दिनों के बाद रिजल्ट आने से पहले एक आपके कॉलेज में प्रैक्टिकल जो होता है, आप जिसको प्रैक्टिकल कहते हो जो अभी तक होता है या सभी सेमेस्टर में, उसका ये जो वाइवा होगा इस बार वो आपका इन्हीं इंटर्नशिप में जो आपने चीजें की हैं उनसे संबंधित होगा 50 नंबर। और बाकी जो 450 में 200 नंबर है वो आपके हाथ में है, इवन 200 नंबर भी नहीं है आपके हाथ में, क्योंकि 25-25 नंबर का इनमें भी आपका क्या हो जाएगा प्रैक्टिकल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली 150 नंबर के ही आपके पेपर जो दो होने हैं इनमें आप कितने मार्क्स बना पाएंगे ये आपका जो पेपर का फॉर्मेट रहेगा उसके बेसिस पे, ठीक। तो पहला पॉइंट तो यहाँ से हो गया। अब ज़रा बता देते हैं आपको कि टीचिंग के लिए क्या होता है। सबसे पहले आपको कॉलेज की तरफ से एक लेटर जारी किया जाएगा जो आपका जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की तरफ से होगा, और उसमें आपका प्रॉपर जैसे बीएड में देखो यहाँ पर लिखा भी है जिन बच्चों की टीचिंग लग चुकी है उनकी तरफ से मैं मुझे मिला हुआ है कि बीएड द्वितीय वर्ष बैच 2021-23 में जो तृतीय सेमेस्टर के प्रशिक्षु हैं इनके क्रियात्मक प्रशिक्षण के संबंध में ये लेटर जनरेट होता है। और इसमें बताया गया कि उपरोक्त विषयक अपने कार्यकर्ता जो भी हैं, है ना, वो बीएड उसके बाद में 2022-23 पूरा मतलब इन्होंने लिखा है कि किस बैच का बच्चा है, कौन सा सेमेस्टर है, है ना, और सारी बातें कि उनकी टीचिंग जो है वो उच्च प्राथमिक विद्यालय में लगी है, तो जो जिस बच्चे का ये है उसके विषय में पूरी जानकारी इस लेटर में पूरी होती है। 3-4 पन्ने का पूरा लेटर होता है, है ना, और उसके बाद में इसके साथ जो आपको संलग्न जैसे यहाँ पर जो भी कॉलेज का पूरा है ना वहाँ पर पूरा गिवन होता है कि जैसे कि उसकी सारी डिटेल्स आपको देखने को यहाँ पर मिलती हैं कि
क्या मतलब शिक्षण का कितनी अवधि तक चलेगा, यानी 16 वीक तक चलेगा, कितना चलेगा और कब तक, कैसे क्या चीज़ें होती, कौन से विकासखंड में है ना, किस जिले में उसकी टीचिंग लगी है, ये सब चीज़ें इसके अंतर्गत आएंगी, ठीक है। उसके बाद में देखिए कार्य मुक्ति प्रमाण पत्र भी होता है। मैम ये क्या होता है, हमने कहा ये जब आपकी टीचिंग पूरी हो जाएगी ना, जब आप पूरी वहाँ पर टीचिंग जितने भी वीक्स की आपकी लगेगी जब कंप्लीट हो जाएगी, तो यहीं पर जिस कॉलेज में आप टीचिंग कर रहे होंगे वहाँ के जो प्राचार्य, जो वहाँ के मैनेजर होंगे उनके हाथ से ये आपको मिलेगा। और यहाँ से क्या होगा कि प्रमाणित किया जाता है कि प्रशिक्षु मतलब जो भी आपका नाम होगा, ये पुत्र पुत्री आपके पिताजी का नाम और बीएड का वर्ष जो भी होगा आपका ये, और इस जो आपकी डेट होगी उस दिन की वो, यानी कि इस दिनांक से, जैसे मान लीजिए कि अब मान लो आपकी टीचिंग सितंबर में शुरू हुई तो यहाँ पर सितंबर की डेट पड़ेगी जिस दिन लगेगी, और जिस दिन आपकी टीचिंग फिनिश होगी वो लिखा जाएगा, है ना। इसके साथ में किस विकासखंड में आपकी टीचिंग लगी वो सब पूरा लिखते हुए, और आज यानी कि उस दिन की जो दिनांक होगी जब आपका सफलतापूर्वक पूरा कार्य हो जाएगा, है ना, उसके बाद श्री आपका नाम मतलब जो भी आपके पिता का नाम है वो सब यहाँ पर फिल करके पूरा दे दिया जाएगा, और यहाँ पर आपके हस्ताक्षर और मोहर भी, जो भी वहाँ के जिनके अंडर में आपकी टीचिंग लगी है जो भी कॉलेज में, उनकी तरफ से ये आपको प्रेषित किया जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपके लिए जिनके बच्चों की टीचिंग लगेगी तो बीएड तृतीय सेमेस्टर हेतु कार्य क्रियात्मक प्रशिक्षण के लिए यहाँ पर पिता का नाम होगा, यहाँ पर विद्यालय का नाम होगा, ब्लॉक और क्षेत्र किस क्षेत्र में लगी, और यहाँ पर छात्र का नाम होगा। इस तरीके से सब बच्चों के लिए पूरा जारी होकर के आता है, ठीक। तो ये तो हो गई इतनी बात। अब एक इम्पॉर्टेंट बात हम आपको और बताना चाहेंगे अंत में, समझिएगा एक बहुत ज़रूरी बात कि पेपर वन और पेपर टू के नोट्स की अगर मैं बात करूं, मैम नोट्स की बात बताइए, हमने कहा नोट्स की बात भी सुन लो, लगे हाथ अभी अंत में बात कर लेंगे एक बार पैटर्न पे भी कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहने वाला है। तो नोट्स के लिए हम आपको बता दें कि 26 तारीख यानी कि नवरात्र के पहले दिन हम आपको जो आपका पेपर टू है ना, गाइडेंस एंड काउंसलिंग वाला जो आपका पेपर टू है, इसके पूरे पूरे नोट्स प्रोवाइड करेंगे। मैम इसमें क्या क्या मिलेगा, तो इसमें इसके अंतर्गत आपको देखिए कम से कम 700 से 800 के बीच में MCQs मिलेंगे, और उसके बाद में आपको कम से कम 100 क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जो शॉर्ट और लॉन्ग होंगे, जिसमें कि क्वेश्चंस होंगे सिर्फ ये वाले। और जो शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे ना, इस बार मैं आपको वो बता दूं कि ये सिर्फ क्वेश्चन है, और अगर पेपर थ्योरेटिकल हुआ तो ये मेरा आपसे वादा है, इवन यहाँ यूट्यूब पे ही मैं आपसे ये वादा करती हूँ कि इन 100 क्वेश्चंस से बाहर वो होंगे ही नहीं, है ना, ये चैलेंज है। और उसके बाद में हम आपको बता दें कि इसके साथ में हम आपको यूनिट वाइज थ्योरी भी देंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, वो ये जब आप PDF ले लेंगे तो वो बाद में मैं ऐड करवा दूंगी उसमें, तो देयर इज़ नो नीड टू टेक टेंशन, ठीक। एक तो ये बात हो गई, दूसरी मैम आपने कहा था कि बुक लॉन्च करेंगे, देखिए बुक तो लॉन्च होगी ही होगी ये निश्चित है इस बार, लेकिन कब होगी ये हमें भी नहीं पता, क्योंकि वर्क इज़ ऑन कह सकते हैं कि अभी कार्य जो है कह सकते हैं प्रगति में है, और ये मान के चलिए अभी उसमें 1 मंथ लग सकता है, है ना। तो हालांकि इतनी आसान नहीं है कि इतनी जल्दी हम उसको लॉन्च कर पाएँ, लेकिन हार्ड कॉपी में हम आपको बुक्स के माध्यम से ज़रूर प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे। तब तक आप लोगों के पास ऑप्शन रहेगा PDF का, और PDF इज़ दी बेस्ट ऑप्शन, है ना, आप उसको ले सकते हैं, ठीक। इतनी बात हो गई, अब बात कर लेते हैं पैटर्न पे। मैम पैटर्न क्या रहने वाला है, देखिए बहुत सारे जो कॉलेजेस हैं इनके जो HOD हैं, जैसे हम बच्चों से कहते हैं ना कि आप लोग अपने कॉलेज में भी पूछिएगा, तो जब सब बच्चे अपने कॉलेज में पूछ रहे हैं तो उनका जो मेरे पास एक तरीके का रिव्यू आया है उसके बेसिस पे अगर मैं बात करूं, तो बच्चों का कहना है कि मैम पेपर सब्जेक्टिव होंगे, ठीक है। फिर मैंने भी एक बार जब दिमाग लगाया तो मेरे को लगा कहीं यूनिवर्सिटी ऐसा तो नहीं सोच रही है कि भाई पहला ईयर जो था बच्चों का, फर्स्ट ईयर के अंतर्गत 2 सेमेस्टर आए, सेकंड ईयर के अंतर्गत आपके 2 सेमेस्टर आए, तो इन्होंने सोच लिया कि फर्स्ट ईयर विषम हो गया, सेकंड ईयर क्या हो गया, सम हो गया। तो हो सकता है इस स्ट्रेटजी से वो पहले से जो साल के 2 सेमेस्टर हैं उनमें उन्होंने कह सकते हैं हम कि ऑब्जेक्टिव पेपर करवा दिया, और जो दूसरा साल है ये सम है, इसके अंदर जो 2 सेमेस्टर हैं हो सकता है वो सब्जेक्टिव करवाएं, है ना, पहले वाले ईयर में 2 सेमेस्टर में ऑब्जेक्टिव और दूसरे वाले ईयर के 2 सेमेस्टर में हो सकता है सब्जेक्टिव कराएं, हो सकता है उनके दिमाग में ये हो। लेकिन कोई भी ऑफिशियल लेटर नहीं आया है, सिर्फ और सिर्फ जो अदर कॉलेजेस के हम कह सकते हैं HOD सर या मैम है उनके अनुसार जहां तक मेरे को जानकारी मिल पा रही है वो कह रहे हैं कि बेटा पेपर सब्जेक्टिव होने के चांसेस हैं, ठीक। और क्या होगा क्या नहीं होगा मेरे को भी नहीं पता, इसलिए मैंने
टू इन वन के रूप में आपको दे दिया है कि चाहे पेपर थ्योरेटिकल है चाहे ऑब्जेक्टिव है, हम आपको सब करवा देंगे। लेकिन क्लासेस की विशेष बातें ध्यान रखिएगा, रोज़ सुबह 10 बजे शाम को 4 बजे मुश्किल से आधे आधे घंटे की क्लासेस हो रही है, ज्वाइन करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन हम आपको शॉर्ट और लॉन्ग में देंगे ना वो सब हम थ्योरी में कवर कर रहे हैं यूट्यूब पर, जो आपकी ये 10 और 4 बजे क्लास हो रही है। अगर आप वो क्वेश्चन सिर्फ देखिए और ये सारी क्लासेस कर लीजिए तो विश्वास मानिए कि आपका जो एग्ज़ाम है वो बाहर नहीं आएगा इससे, ठीक है। अब बस ये थी एक छोटी सी जानकारी, और PDF के लिए आप PG Point ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। PG Point के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ भी जुड़ सकते हैं आप, और PG Point ऑफिशियल के नाम से हमारा इंस्टाग्राम ID है, जहाँ पर आप हमें कोई भी प्रश्न चाहें तो पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना नहीं भूलिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना नहीं भूलिएगा, और अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन नहीं प्रेस करना भूलिएगा। और जो आपकी फर्स्ट सेमेस्टर वाले नए बैच आ रहे हैं, फर्स्ट सेमेस्टर वालों की जो क्लासेस हैं उनके परिप्रेक्ष्य में मैं बता दूँ, तो जैसे ही उनकी काउंसलिंग कंप्लीट हो जाएगी, इस बार आपका सत्र 10 अक्टूबर से ये प्रारंभ करना है, तो 10 अक्टूबर से ही हम भी चाहेंगे कि आपके 10 से 15 के बीच में मैं क्लासेस फर्स्ट सेमेस्टर वालों की भी शुरू कर दूँ, ठीक, और तब तक थर्ड सेमेस्टर वालों की कंप्लीट भी कर दूँ, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा ताकि हमारे ऊपर भी वर्कलोड कम रहे। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी, हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, हमारा हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।